ये तो ऑब्वियस है कि हमजा MIT जाएगा इंशाल्लाह एक दिन, पढ़ने नहीं तो पढ़ाने। अगर आप इसको इस नज़रिए से देखें कि ये ड्रीम को नर्चर इज द नेक्स्ट स्टेप, ड्रीम को प्लांट कैसे किया, अगर किरण ना होता ना तो ये ड्रीम होता ही नहीं, बल्कि MIT का मैंने नाम कभी नहीं सुना होता अगर किरण नहीं होता। मैं एक फैमिली से आती हूँ जहाँ पे पैट्रियार्की एक बहुत बड़ी चीज़ देखी जाती है, फिर उसके बाद हमेशा से देखा है कि फादर्स आर द सोल अर्नर्स एंड वहाँ की औरतें घर संभालेंगी एंड स्टफ। सो यूज़ टू ऑलवेज सी अराउंड मी के हमेशा आपका भाई या आपके अब्बा आपके डिसीजंस ले रहे हैं। व्हेन वी केम टू किरण वो चीज़ ब्रेक हुई, मेरी फैमिली का माइंडसेट को कम्प्लीटली चैलेंजिंग एक इन्वायरमेंट मिला किरण से। अब मैं देखती हूँ कि मेरे दोनों पेरेंट्स साथ मिलके अपने बच्चों के लिए हम डिसीजंस ले रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, तो एक फैमिली जब ट्रांसफॉर्म हुई, एक इन्वायरमेंट ट्रांसफॉर्म हुआ, तो कम्प्लीटली हम सारे बच्चों का माइंडसेट डिफरेंट हुआ शुरू हुआ। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए हम आगे बढ़े। When I was young, I wanted to be the president of Pakistan. I changed my mind. I fetched my way. The umbrella was same. The destination was same. The journey is still the same. But the occupation has now changed. Because now I know what to do and where to go and how to do it. But I really want to change the system from the roots, from its policies, education system from the roots. What I believe in a statement in life is that I will always say this: one fall is actually vital for a rise that never depreciates. I feel like Lahari ko bahut zyada badla, like streets were not safe and everything, and we have been through that. Aur wo pura like childhood hamara usme guzra hai, so humne change dekha hai over the years. और फिर अब ऐसा है कि अब लियारी में बहुत सारे इलाकों में लाइक मल्टीपल इलाके हैं, यहाँ पे लियारी इज़ लाइक अ ह्यूज एरिया, ट्यूशन सेंटर्स बनाए हुए हैं जो अब लाइक बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं स्मॉल, सो वो अब किरण के पाथ को फॉलो करते हुए लाइक ऐसे इंगेज कर रहे हैं अपनी यूथ को, अपनी गली के ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनकी इंग्लिश बेटर कर रहे हैं, या फिर दूसरे लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, सो उसकी तरफ से चेंज आ रहा है। और वो मोस्टली लाइक बोलते हैं कि किरण एक मोटिवेशन था, हमने किरण को देखा कि इट वॉज नो वेयर एंड स्टार्टेड एंड बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ, सब वो भी बोल रहे कि हाँ हम भी अपने एरिया को बेहतर बना सकते हैं। जब लियारी में हालात बहुत ख़राब थे तो मेरे मामू जो थे उनको मर्डर किया गया, और उसके बाद मेरी मामा बहुत डिप्रेशन में गई जिसकी वजह से मुझे सही अटेंशन नहीं मिल पाई। तो इसीलिए मुझे जानना है कि जो लोग ये चीज़ करते हैं उनके दिमाग में चल क्या रहा होता है, एंड इफ़ नॉट अ फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट आई विल बी अ साइकोलॉजिस्ट, और मैं लोगों की हेल्प करूँगी टू ओवरकम व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, क्योंकि थेरेपी इज़ वेरी एक्सपेंसिव और यहाँ के लोग तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। सो मे बी आई विल डू समथिंग फॉर देम ताकि वो उस स्टेज से बाहर आएँ और अपनी ज़िंदगी जिए। कांट इवन इमेजिन, मतलब यू नो इट chills down my spine, you know. मतलब देखिए अगर सिंगल वर्ड बोलूँ तो वो है ममता, मतलब प्यार है, मतलब एक्सप्लेन इस फीलिंग को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन जो प्यार आपको सिर्फ अपनी माँ से मिलेगा ना, वो प्यार हमें किरण में भी मिला है। किरण हमेशा एक सेफ स्पेस की तरह था, यू नो, एक मदरली फिगर जो आपको हर बुरी चीज़ से बचाता है और आपके लिए अच्छा ही सोचता है। सो किरण मेरे लिए उसी तरह था, और लाइफ के अब तक जितने भी मोमेंट्स थे अच्छे बुरे, किरण उसमें हमेशा मेरे साथ था। जैसे एक पेरेंट अपने बच्चे को हाथ देता है ना, किरण ने वैसे ही हमें हाथ दिया है, एंड जिसमें लव, सपोर्ट, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, एवरीथिंग वाज देयर। हमें रास्ता दिखाया है कि हमें किस रास्ते में चलना चाहिए, हमें उस रास्ते में मदद की। आई वाज ग्रूम्ड ओवर देयर, नर्चर्ड, हर चीज दी, एवरीथिंग। ड्रीम तो अभी यही है कि मैं एक बार अपनी डिग्री मुकम्मल कर लूँ, या उसके बीच में भी मुझे किरण को और लियारी को संभालना है,
गिव बैक देना है। जैसे आपको पता है हम लियारी में रहते हैं, तो जब किरण फाउंडेशन आया तो उन्होंने जब हमें मेन स्ट्रीम स्कूल में भेजा तो उनका मकसद ये था कि हम एजुकेटेड लोगों से मिलें। तो जब हम एजुकेटेड लोगों से मिले तो हमारा माइंडसेट भी चेंज हुआ। माई मेमोरीज आर रियली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, क्योंकि मैं लास्ट स्टूडेंट थी जिसको एडमिशन मिला था किरण के अंदर। आई गॉट एडमिशन क्योंकि एक बच्चे ने ड्रॉप कर लिया था। आई वॉज लकी इनफ दैट आई गॉट चांस टू बी पार्ट ऑफ किरण, and then I got admission in Kiran and my life changed. If you believe there is a battle, there are different kind of tents and refugees and people who are suffering, who need help, who need assistance, who need a finger. Kiran was like a superhero for me. Meri jo mama hai wo sabhi maa se mili thi, theek hai, when I was very young, 8 months ki thi main. उसके बाद से जो है वो शी वेंट टू हर फॉर हेल्प, सो आफ्टर दैट सभी माई हेल्प मी, और फिर मैं किरण में आई। मतलब मैं किरण में नहीं आई, आई गेस किरण मेरी वजह से बना, ऐसा सभी माँ कहती हैं, एंड इसकी वजह से वो मुझे पहली किरण भी बोलती हैं। तो उसके बाद मैं किरण में आई और मेरे साथ और भी जो मेरे 19 फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे ज्वाइन किया, एंड देन वी फॉर्म द फर्स्ट मदर एंड चाइल्ड ट्रामा इन्फॉर्म्ड प्री स्कूल। और मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो मतलब अक्सर सभी माँ के लैब में ऐसे लेटे हुए होते थे, खेल रहे होते थे, और देखते देखते हम सब बड़े हो गए। में मैं इन बच्चों को सिलेक्ट किया था, यहाँ से ढूंढा था, लोगों ने मुझे बताया था कि इस घर के अंदर मुश्किलात हैं इस घर के अंदर, तो मैंने वो बच्चा उस घर का सबसे छोटा बच्चा उठाया जिस घर में मुश्किलात थी। और उस वक्त मैंने सोचा था कि शायद ये जो बीज मैं अभी डाल रही हूँ, मेरी एज उस वक्त अराउंड 40 थी, मैं पता नहीं देख पाऊँगी इनकी यूनिवर्सिटी या नहीं। चलो कोई बात नहीं, बीज तो डालना है ना, इसकी छाँव में जो भी बैठे मुझे तो ये सोचना नहीं है। दुआ ज़रूर की थी मैंने अल्लाह से कि अल्लाह ताला जहाँ मेरे बायोलॉजिकल बच्चों की यूनिवर्सिटीज़ में देख रही हूँ, इनकी यूनिवर्सिटी अल्लाह मियाँ मुझे ज़रूर दिखाना, क्योंकि मुझे पता है एक दफ़ा यूनिवर्सिटी में बच्चा चला जाता है ना, इंडिपेंडेंट हो जाता है उसके बाद। आज पिछले साल से मैं इनकी यूनिवर्सिटीज़ देख रही हूँ, एक एक करके एडमिशन हो रहा है इनका, अपने अपने ख्वाबों की यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला का शुक्र है, परवरदिगार का एहसान है कि अल्लाह ने इतनी ज़िंदगी दी कि मैंने इनको नौजवान देख लिया। अब कुछ नहीं होगा, अब ये जो ग्रुप है ना, ये तकरीबन 15 बच्चों का, ये बच्चे अब अपने छोटे भाई बहन जो नीचे से आ रहे हैं उनको संभालेंगे। इनको मैं कह चुकी हूँ ये बात कि मेरा काम आप पे ख़त्म हो गया, आपने अब नीचे सारे बच्चों को लेकर चले। कराची में, पाकिस्तान में, एशिया में, पूरी दुनिया में कई ऐसी जगहें होंगी जहाँ पर मतलब नीड है एजुकेशन की नहीं बल्कि किरण की। आई थिंक दैट वन डे ऑल माई फ्रेंड्स एंड आई आर गोइंग टू स्प्रेड आउट स्प्रेड द मैसेज ऑफ किरण, एंड इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू मेक अ डिफरेंस।